मुंगेर जिले के सभी आधा दर्जन पुलिस ओपी को उत्क्रमित कर बनाया गया थाना। डीआईजी और एसपी ने किया सभी उत्क्रमित थानों का फीता काटकर उद्घाटन। अब इन थानों में दर्ज होगा एफआईआर। दरअसल मुंगेर में आज रविवार को 6 ओपी जिसमें पूरब सराय ओपी, वासुदेवपुर ओपी, सफिया सराय ओपी, टेटिया बम्बर ओपी, शामपुर ओपी और हेमजापुर स्वतंत्र थाना के रूप में काम करने लगे, जिसका उद्घाटन मुंगेर रेंज के डीआईजी संजय कुमार और एसपी सैयद इमरान मसूद ने फीता काटकर किया। कुछ दिन पूर्व ही पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इससे संबंधित लेटर जारी किया था। इस मामले में मुंगेर डीआईजी संजय कुमार ने बताया कि इन मुंगेर के 6 ओपी सहित बिहार के 176 ओपी को थाना में उत्क्रमित किया गया है। इसके बाद इन सभी थानों में थाना अध्यक्ष की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जगहों पर CCTNS की सुविधा शुरू हो जाएगी। मारपीट या अन्य किसी तरह की FIR रियल टाइम में दर्ज हो सकेगा। इससे पीड़ित पक्ष को तुरंत न्याय मिल सकेगा। FIR दर्ज होने के बाद थाना अध्यक्ष अनुसंधानकर्ता भी तुरंत नियुक्त करेंगे और कांड का अनुसंधान तेजी से हो सकेगा। आने वाले समय में पुलिस बल और पदाधिकारी की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इससे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। बहुत दिन से हम लोग का या आप लोगों का इच्छा था कि ओपी थाना में हो जाए। सबसे पहले प्रॉब्लम आती थी हम लोगों को FIR दर्ज कराने में। आप लोग सर FIR दर्ज नहीं हुई तक हुआ सर। और हम लोग धरारा जाते थे, धरारा में प्रोसेस में स्टाफ नहीं है या जो भी हो, इसके कारण वहाँ हम लोगों को कभी कभी 3-3 घंटा लेट हो जाता था। अभी है कि FIR की कॉपी हमें मिलेगी, FIR करने के लिए आवेदन मिलेगा और तुरंत हम FIR यहाँ रजिस्टर कर लेंगे। इससे सुविधा मिलेगी कि FIR तुरंत ऑन द टाइम। FIR में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। घटना और टाइमिंग के बीच FIR के बीच का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्राइम में देखा जाता है घटना कब घटा और FIR कब दर्ज हुई। पहले हम लोगों का डीले हो जाता था। कभी कभी ऐसा स्थिति आया है कि 6-7 FIR बिजली चोरी से संबंधित आती थी, तो कभी कभी हमको 1 दिन का डीले भी होना पड़ता था, जिसके कारण मतलब बहुत समस्या आती थी। कभी कभी तो केस को मतलब और डायरेक्शन में भी चला जाता था। इन सभी समस्याओं से अब समाधान हो चुका है और दिन धीरे धीरे आपका थाना भी बन ही रहा है नया वाला। इसके बाद यहाँ थाना बनने से स्टाफ्स भी बढ़ेंगे, फोर्स भी बढ़ेंगे और हमको आप लोगों के सेवा करने के लिए ज़्यादा मेरे पास बल रहेगी तो ज़्यादा और अच्छी तरीका से कर पाएंगे। मुंगेर जिला में 6 ओपी को थाना के रूप में अधिसूचित किया गया है। RCA हेमजापुर ओपी हेमजापुर थाना के रूप में कार्यरत करना शुरू कर दिया है। सरकार ने इसको अधिसूचित किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेर के निर्देशानुसार मैं यहाँ पर आया हूँ और विधिवत औपचारिक रूप से हेमजापुर थाना कार्य करना प्रारंभ किया। प्रभारी थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार हमारे साथ मौजूद है। पड़ेगा प्राथमिकी वगैरह सब कुछ यहीं पर होगा, आरोप पत्र फाइनल फॉर्म सब कुछ यहीं कटेगा। तो जैसे थाना के रूप में सब कुछ कर रहे थे, ओपी को 6 थाना बनाया गया, क्या कहेंगे? पूरे बिहार में 176 ओपी थे जिनको थाना में उत्क्रमित किया गया है और सबका आज विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें मुंगेर जिले के 6 ओपी हैं जिनका आज उद्घाटन हो रहा है। इसी क्रम में आज सफिया सराय ओपी पर मैं और एसपी साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया। अन्य जो 5 ओपी हैं जिसमें DSP और इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी जाकर उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट ये मिला कि अभी तक ये इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहा था। अनुसंधान को छोड़ के अन्य मामलों में तो इंडिपेंडेंट था, जैसे गश्ती, पेट्रोलिंग, छापामारी, ये सब कर रहा था, लेकिन अनुसंधान के लिए जो सबसे पहला स्टेज FIR रजिस्टर करने का यहाँ पर नहीं होता था। पब्लिक कोई भी पटिशन दे देती उसको फॉरवर्ड करके इसके पेरेंट PS रामनगर में भेजना पड़ता था। आज से ये सिस्टम खत्म हो गया। जो पब्लिक पटिशन देगा उसका FIR यहीं पर रजिस्टर होगा, उसका अनुसंधान स्वतंत्र रूप से यहीं पर होगा और उसके लिए अंतिम पत्र जो न्यायालय में जाते हैं वो सब कुछ यहीं से कटेगा। तो इस तरीके से पब्लिक को काफ़ी सुविधा इससे होगी। थैंक यू सर।